वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से सेब चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर संगीता केतन शाह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि वैशाली नगर विधानसभा चुनाव में जनता के भरोसे और हौसले ने मुझे चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत दी है। उन्होंने कहा कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल भी रहा है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से सेब चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरी डॉक्टर संगीता केतन शाह ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों को लेकर व्यापक रूप से चर्चा की। अपने चुनाव लड़ने के कारणों और जीतने के पश्चात किए जाने वाले कार्यों को विस्तार से भी बताया। डॉक्टर संगीता केतन शाह ने बताया कि जनसंपर्क अभियान के दौरान सभी वार्डों के लोगों द्वारा उन्हें समस्याएं बताई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके घोषणा पत्र में कोई जुमलेबाजी नहीं है, जो चीज़ हकीकत में हो सकती है वही वादे मैंने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। मुझे जनता से मिल रहे प्यार और आशीर्वाद को कुछ पार्टियाँ नहीं पचा पा रही हैं और बैनर पोस्टर को फाड़ने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन मैं उलझने की बजाय अपनी लकीर लंबी करने पर विश्वास रखती हूँ। यही वजह है कि मैं अपने चुनाव चिन्ह सेब के साथ लगातार आगे बढ़ रही हूँ। संगीता केतन शाह ने कहा कि वे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं, आशाओं और चुनौतियों को गहराई से समझती हैं और इसे हल करने का उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। वैशाली नगर में विकास की बहुत ज़रूरत है हर वार्ड में, और क्योंकि एक श्रमिक भी एरिया है, ये सब में डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। और मुद्दे तो शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, हर सर में छत और हर हाथ में नौकरी, इस तरीके के विभिन्न ऐसे संकल्प पत्र हैं हमारे पास, जो हमने एक एक पॉइंट को वार्ड में जा जा के उनकी परेशानियों को समझा और बनाया है। मुझे सिर्फ इस 36 पॉइंट पे काम करना है, मेरे विधानसभा को जो है वैशाली विधानसभा बनानी है। थैंक यू। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर संगीता केतन शाह ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि विकास के साथ ही यहाँ की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निरंतर उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। महिलाओं, बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के साथ युवाओं को डिजिटल तकनीक से प्रशिक्षण, IT पार्क, औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता सहित कई अन्य घोषणाएं संकल्प पत्र में शामिल की गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।